Hey guys, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप रिविजन मस्त चल रहा है आपके एंड पे। एंड सर, चैप्टर नंबर 6 तक आपने रिविजन लेक्चर्स देख लिए हैं। आइए चैप्टर नंबर 7, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सेक्शन नंबर 9, सबसेक्शन 3, सेक्शन नंबर 9, सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड सेम वे कॉरेस्पॉन्डिंगली सेक्शन नंबर 5(3) एंड 5(4) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। सरकार आइए आरसीएम की लिस्ट देख लेते हैं हम सर, किन किन केस में रिवर्स चार्ज लगता है और सर क्या प्रोविजन है वो बात कर लेते हैं हम। सबसे पहली बात करें हम सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 4 की बात कर ले पहले हम। चलिए सर, सर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 4 की बात पहले हम कर लेते हैं सर। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 में बोला है बिल्डर के लिए प्रोविजन एप्लीकेबल है, केवल ये जिसको टेक्निकली प्रमोटर वर्ड बोला गया लॉ के अंदर। तो सर अगर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, और नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन कौन है बेटा, बिल्डर प्रमोटर, उसने अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगर परचेज किया है, अनरजिस्टर्ड से परचेज किया तो वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं साहब सप्लाई करने वाला, उसने तो बिल पे टैक्स लगाया ही नहीं होगा। तो ऐसे केस में बिल्डर को बोल दिया कि तुम उन परचेज पे तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज परचेज करी तो। क्लियर? अब वो नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज कौन कौन सी वो हमको पढ़ना है। बहुत सिंपल है सर, अगर प्रमोटर ने किसी भी पर्सन से, सर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर सीमेंट परचेज किया, एक रुपए का भी सीमेंट परचेज किया तो उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। उसने एक रुपए का भी कोई मशीन कैपिटल गुड्स परचेज किया किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अंडर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। प्लस सर ये सीमेंट और कैपिटल गुड्स में तो हमेशा ही रिवर्स चार्ज है। सेकंड थिंग, एक और हमने पढ़ा था सर क्या, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स एंड लॉन्ग टर्म लीज, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट या लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड अगेंस्ट अपफ्रंट अमाउंट इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम सलामी डेवलपमेंट चार्ज एटसेट्रा, या आपने फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया है तो सर ऐसे केस में इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स अगर आपने ट्रांसफर किया तो ऐसे केस में हमेशा रिवर्स चार्ज में बिल्डर को लाइबिलिटी आती है टैक्स पे करने के लिए। ये सेक्शन 9(3) में नोटिफाइड है। आई रिपीट सर, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट TDR या फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स या लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 years और मोर देन 30 years के लिए अगर आपने लैंड दिए तो ऐसे केस में इस लीज के अमाउंट पर ये TDR ट्रांसफर करने पर, FSAI को ट्रांसफर करने पर जो उसने कंसिडरेशन पे किया इसमें हमेशा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हमेशा बिल्डर ही पे करेगा। तो ये सीमेंट कैपिटल गुड्स और ये TDR वगैरह छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी अदर गुड्स कोई भी अदर सर्विसेज अगर बिल्डर ने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है तो उस केस में सर ये एक बार चेक किया जाएगा कि जो उसने रजिस्टर्ड लोगों से परचेज किया है और जो अनरजिस्टर्ड परचेज किया वो कितना है। अगर टोटल एक्सपेंडिचर का एटलीस्ट 80% कितना बेटा, एटलीस्ट 80% उसने अगर रजिस्टर्ड लोगों से परचेज नहीं किया तो जितना शॉर्टफॉल है उतने शॉर्टफॉल के इनवर्ड सप्लाई पे उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। मान लो टोटल जो उसका इनपुट था, टोटल जो इनपुट सर्विसेज थी उसका 75% परचेज था किससे, रजिस्टर्ड लोगों से, सर 25% परचेज था किससे, अनरजिस्टर्ड लोगों से। तो सर 80% से शॉर्टफॉल कितना हुआ बेटा, 5% की मिनिमम 80% का रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो 20% भले आप अनरजिस्टर्ड परचेज करो हमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, पर 80% से अगर शॉर्टफॉल हुआ तो जितना शॉर्टफॉल होगा, जैसे 5% शॉर्टफॉल है तो उस 5% वाले इनपुट और इनपुट सर्विस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर उस बिल्डर प्रमोटर को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। भारत माता की जय। क्लियर? डन सर। ये था सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4। आई रिपीट, कोई भी कैपिटल गुड्स कोई भी सीमेंट सर, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, लॉन्ग टर्म लीज वगैरह, इस पे तो रिवर्स चार्ज है ही हमेशा। क्लियर सर? ध्यान देना बेटा यहाँ पर सर, सीमेंट और कैपिटल गुड्स किसी भी अनरजिस्टर्ड से परचेज करी तो रिवर्स चार्ज है बेटा। TDR वगैरह केस में भली सप्लाई रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, 9(3) में कवर है, वहां पर रिवर्स चार्ज है। पर इन तीन के अलावा कोई भी गुड्स कोई भी सर्विस अगर उसने अनरजिस्टर्ड से परचेज किया है और टोटल परचेज का वो पर्टिकुलर इनपुट या वो पर्टिकुलर इनपुट सर्विस लेस देन 80% अगर परचेज हुआ हो तो जितना शॉर्टफॉल है 80% से उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर बिल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। आइए सरकार, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या, गवर्नमेंट के पास पावर की हो जाए तो कुछ गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई कर सकते हो, नोटिफाई करके बोल सकते कि नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज में रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और एट प्रेजेंट देयर आर मेनी गुड्स मेनी सर्विसेज आल्सो, पर गुड्स हमारे सिलेबस में नहीं आता है, केवल सर्विसेज हमारे सिलेबस में आती है, वो हम पढ़ रहे हैं बच्चों। तो सर आइए लिस्ट ऑफ सर्विसेज हम पढ़ लेते हैं जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। अच्छा यहां ध्यान देना बेटा सर, या 9(3) के केस में जितनी भी हम सर्विसेज पढ़ने वाले, यहां रिवर्स चार्ज मतलब रिवर्स चार्ज है बात खत्म, यहाँ पर सप्लाई रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है ये सब कुछ नहीं लिखा बेटा।
क्लियर डन। यहां पे जो भी लिखा है इस टेबल के अंदर जो कंडीशन है वो देखना पड़ेगा। फर्स्ट सर जीटीए सर्विस वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड पॉइंट, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज। ध्यान देना बच्चों, यहां पर मैं 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन के नाम बोल रहा हूं। अगर जो पर्सन फ्रेट पे कर रहा है, अगर जो पर्सन फ्रेट पे कर रहा है या फ्रेट पे करने के लिए लायबल है, वो अगर इन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन में से कोई एक है, तो ऐसे केस में सर टैक्स लगेगा, वरना टैक्स ही एग्जम्प्ट है। अब टैक्स लगेगा तो कौन पे करेगा? बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है और रेसिपिएंट ही टैक्स पे करेगा। क्लियर? अब वो 7 लोग कौन कौन है, सुनना बात को ध्यान से। सर रजिस्टर्ड फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, कॉपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड नॉट इंक्लूडिंग एओपी, देन एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, और उसके अलावा कोई भी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अगर ये 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन है रेसिपिएंट तो टैक्स लगेगा। इसके अलावा किसी और को सर्विस दिए जीटीए ने तो जीएसटी ही एग्जम्प्ट है। अभी 7 लोग जो थे रेसिपिएंट जो फ्रेड पे करने के लिए लायबल है, वो अगर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, रेसिपिएंट जो 7 लोग हैं जो फ्रेट पे कर रहे हैं वही टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, और रेट ऑफ टैक्स विल बी 5% पर। जीटीए को ऑप्शन दिया कि जीटीए चाहे तो अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करने का ऑप्शन ले, और उसने अगर ये ऑप्शन लिया तो वो बिल पर डिक्लेरेशन देगा कि मैंने अपने आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर एंड आई एम पेइंग द टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, डिक्लेरेशन देगा, और उसके बाद वो बिल पे टैक्स लेके टैक्स चार्ज करके कस्टमर से ले सकता है। पर रेट ऑफ टैक्स कितना होगा? सर बिल्डर को दो ऑप्शन दिए, या तो 5% टैक्स पे कर, सॉरी जीटीए को दो ऑप्शन है, या तो 5% टैक्स पे कर विदाउट एनी आईटीसी, जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स काम है उसका कोई क्रेडिट तक नहीं मिलेगा अगर रेट ऑफ टैक्स 5% वाला ऑप्शन लिया तो, और अगर जीटीए ने 12% वाला ऑप्शन लिया तो उसको जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेस किया उन सबका उसको आईटीसी मिलेगा। क्लियर? और सर ध्यान देना बच्चों, ये जीटी का ऑप्शन है, पर रिवर्स चार्ज में अगर रेसिपिएंट लायबल है तो उसको तो 5% टैक्स ही पे करना है। क्लियर? अच्छा, जो भी रेसिपिएंट ने टैक्स पे किया, भले 5% पे किया या फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए ने 5% या 12% बिल पे लगा के दिया, रेसिपिएंट को तो हमेशा क्रेडिट मिलेगा अगर उसके लिए वो इनवर्ड सप्लाई है एलिजिबल फॉर आईटीसी तो। क्लियर डन। सरकार एक और बात, अगर जीटीए ने सर्विस दी किसको? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या एस्टेब्लिशमेंट को या लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंटल एजेंसी को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है बट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51 और उसके अलावा किसी और पर्पज के लिए वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में जीएसटी क्या है? एग्जम्प्ट है और कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ना रिवर्स चार्ज लगेगा ना फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा इसके। समझो? क्लियर डन। ये जीटी की मैंने कहानी पूरी आपको समझा दी, और जो मैंने आपको समझाया वही एनालिसिस फॉर्म में यहां पे टेबल के एंड में भी आपको दे रखा है, एक बार मैं आपको चाहूंगा वो भी देख लीजिए बेटा। ये लीजिए समरी ऑफ जीटीए, जीटीए की सर्विस पर जीएसटी कितना होगा? अगर रेसिपिएंट अदर देन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, बात खत्म बेटा। और अगर रेसिपिएंट उन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ लोगों में से तो जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी लगेगा तो कौन टैक्स पे करेगा? जीटीए सर्विस सप्लायर हैज द चॉइस। अब चॉइस क्या बेटा? सर रजिस्ट्रेशन कराया आपने आपका और ऑप्ट टू पे द टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, अगर उसने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला ऑप्शन लिया तो एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स क्या होगा बेटा? या तो 5% विदाउट एनी आईटीसी एंड 12% विद ऑल आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स, और अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन नहीं लिया तो बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है और रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम एट द रेट ऑफ 5% बेटा। हाँ ना भाई माहौल सरकार, ये जीटी का मैंने आपको वापस रिवाइज भी करा दिया। ओके सर, ये जो अपनी रिबूट बुक बनी ना, बहुत शानदार बुक है सर, इसके अंदर एवरी कॉन्सेप्ट इज कवर्ड, वो भी समराइज फॉर्म में और माहौल के साथ बना हुआ है सर। इसको का डाला मतलब लाइफ जिंगा डाला बेटा। सर आइए सेकंड सर्विस, सर एडवोकेट, सर आपको पता है एडवोकेट हो, सीनियर एडवोकेट हो या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो, इन्होंने अगर सर्विस दी है अदर देन बिजनेस एंटिटी तो जीएसटी एग्जम्प्ट मेगा एग्जम्प्शन लिस्ट में बनाना पड़ा था। अगर इन्होंने सर्विस दी ऐसे किसी बिजनेस एंटिटी को जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन तो ऐसे केस में भी जीएसटी क्या है? एग्जम्प्ट है। पर इन्होंने सर्विस दी ऐसे किसी रेसिपिएंट को जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन तो ऐसे केस में टैक्स लगेगा, और टैक्स लगेगा पर टैक्स कौन पे करेगा? सर वो बिजनेस एंटिटी हु इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, जिसने सर्विसेज रिसीव करी जिसका टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट था प्रीवियस ईयर में, वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, भले सीनियर एडवोकेट की सर्विस हो, नॉर्मल एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट हो या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो, सब में पॉइंट यही है बेटा। एक बात और ध्यान रखना बेटा, सीनियर एडवोकेट ने अगर नॉर्मल एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दिए किसी, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट किसको माना जाएगा? सर रेसिपिएंट माना जाएगा उस बिजनेस एंटिटी को जिसका केस अल्टीमेटली वो सीनियर एडवोकेट केस रिप्रेजेंट करता था कोर्ट में। सर वो अल्टीमेटली बिजनेस एंटिटी विल बी कंसिडर्ड एज इफ दैट इज द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, और उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बेटा। क्लियर? ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और एडवोकेट वगैरह का पॉइंट खत्म होता है। अब सर ध्यान देना बेटा, अच्छा एक बात और, सर पूरे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हर जगह रेसिपिएंट जहां लायबल होगा वहां पे हर जगह लिखा होगा क्या? लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा बेटा, ठीक है? अगर वो रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया है बेटा तो रिवर्स चार्ज में वो कैसे टैक्स पे करेगा? तो इंडिया वाले को टैक्स पे करना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज में बच्चों। ओके चलिए सर, अब आ रहा है क्या स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। सर
जैसे टाटा आईपीएल, तो सर टाटा ने स्पॉन्सर किया, तो सर आईपीएल कौन है? आईपीएल इज द इवेंट ऑर्गेनाइजर, आईपीएल इज द सर्विस सप्लायर, और टाटा इज द सर्विस रेसिपिएंट। तो सर वो टाटा जो सर्विस रेसिपिएंट है वो अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप में लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो जो रेसिपिएंट है टाटा विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब आइए सर ध्यान देना बेटा, ऑल दी सर्विसेज में मेगा एग्जेम्पशन लिंक कर रहा हूं बेटा, ऑल दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एक्सेप्ट फॉलोइंग फॉर। मेगा एग्जेम्पशन का लिंक कर रहा हूं पहले पॉइंट में, क्लियर सर? वहां पे सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, क्लियर? सर्विसेज इन रिलेशन टू वेसल या एयरक्राफ्ट, वेदर विद इन द प्रेसिंग्स ऑफ द पोर्ट एयरपोर्ट या आउटसाइड द पोर्ट एयरपोर्ट। देन सर सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, क्लियर? ये तीन सर्विस पे हमेशा टैक्स लगता है और फॉरवर्ड चार्ज मैक्सिमम टैक्स लगता है, भले रेसिपिएंट कोई भी हो। पर इन तीन के अलावा एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी, सर एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी वहां टैक्स लगता है, और खास बात वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, और रेसिपिएंट जो बिजनेस एंटिटी वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर वहां पे एक सर्विस का एक्सेप्शन दे रखा है, रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी। अगर गवर्नमेंट ने रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी सर्विस दी किसको? किसी बिजनेस एंटिटी को, तो वहां टैक्स लगता है। अब वहां पे अगर वो बिजनेस एंटिटी का, अगर वो बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करेगा रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी पे। पर अगर अगर वो बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी पे भी कौन टैक्स पे करेगा? वो रेसिपिएंट जो बिजनेस एंटिटी, वही टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। हाँ है ना भाई, डन, ये पॉइंट में खत्म होता है। अब और ध्यान देना बेटा, जो भी प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लगते हैं, वो सेम प्रोविजन अप्लाई होंगे किस पर? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एंड कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल पे भी बेटा। मतलब सर सेंट्रल गवर्नमेंट जहां जहां रेफर हो रहा है वहां वहां मतलब पार्लियामेंट भी रेफर किया जाएगा, मतलब सेम प्रोविजन जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगते हैं वो पार्लियामेंट पे भी लगेंगे। सर जो प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट लगते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर पे, विधानसभा पे भी लगेंगे साहब, क्लियर? एंड सर सर जो प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लगते हैं वही प्रोविजन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल पे भी लगेंगे। मतलब कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने सर्विसेज दी किसी बिजनेस एंटिटी को, और मान लो अगर वो सर्विस एग्जम्प्ट नहीं है, तो ऐसे केस में बिजनेस एंटिटी विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्लियर? डन। जैसे रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी बाय कोर्ट टू बिजनेस एंटिटी, वो बिजनेस एंटिटी अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड तो वो टैक्स पे करेगा, वो रजिस्टर्ड नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज में कोर्ट खुद टैक्स पे करेगा बेटा, अगर टैक्स लगेगा तो। आइए सरकार नेक्स्ट। सर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, आपको पता है घर किराए पे दिया रहने के लिए तो उस पर जीएसटी एग्जम था, अभी भी है। पर अगर जिसने घर किराए पे लिया है वो कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन है, और उसने अगर अपने बिजनेस में वो एक्सपेंस क्लेम किया है खर्चा, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन, और उसने वो घर का जो रेंट है वो खर्चा अगर अपने बिजनेस में क्लेम किया है एज एन एक्सपेंस, तो ऐसे केस में वहां टैक्स लगेगा, वो एग्जम्प्ट नहीं है, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रेसिपिएंट है बिजनेस एंटिटी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। पर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जिसने घर रेंट पे लिया, तो ऐसे केस में जीएसटी एग्जम्प्ट है अगर रहने के लिए घर लिया तो। अच्छा, यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस कोई भी, उसे कोई कंसर्न नहीं है, रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड तो वो टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। देन हम बात ऑलरेडी कर चुके थे ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट टीडीआर, क्लियर? फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स और लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 years और मोर देन 30 years, अगर आपने प्रमोटर को दिया है, बिल्डर को ट्रांसफर किया है, तो ऐसे केस में सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में प्रमोटर विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। नेक्स्ट, अगर कोई भी कंपनी के आप डायरेक्टर हो या किसी बॉडी कॉर्पोरेट के आप डायरेक्टर हो, इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर कोई फीस आपको मिला है, तो ऐसे केस में सर डायरेक्टर ने सर्विसेज दिए इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर दिए, तो वहां टैक्स लगेगा, और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। देन इंश्योरेंस एजेंट के केस में हमेशा इंश्योरेंस कंपनी लायबल होती है जो भी कमीशन को पे किया जा रहा है। देन रिकवरी एजेंट वसूली, भाई सर ये तो दुनिया से वसूली कर रहे हैं, क्या जीएसटी डिपार्टमेंट इनके कमीशन पे इनसे जीएसटी वसूल कर पाएगा? दो ऑफिसर गए रिकवरी करने के लिए, वो वापस आए नहीं बेटा, क्लियर? तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोला अब हमसे ना हो पाएगा, और बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को बोल दिया कि भाई साहब रिकवरी एजेंट को जो आप कमीशन देंगे उस कमीशन के अमाउंट पे जो जीएसटी बनता है तुम उनको मत देना, उनको उनका कमीशन देना, जीएसटी का अमाउंट डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को पे करना, वहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया, और बैंक विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। देन सर म्यूजिक कंपोजर फोटोग्राफर आर्टिस्ट एंड द लाइक हु आर ट्रांसफरिंग द कॉर्पोरेट, सर ओरिजिनल लिटरेरी और सॉरी लिटरेरी में तो ऑथर था उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहा बेटा, ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क का जो कॉपीराइट है उसको सर म्यूजिक कंपोजर वगैरह ने जो कॉपीराइट ट्रांसफर किया है म्यूजिक कंपनी को, टी सीरीज वगैरह नाम सुना होगा आपने, म्यूजिक कंपनी प्रोड्यूसर और उनको, तो जो रॉयल्टी मिल रहा है म्यूजिक कंपोजर वगैरह को उस पर जीएसटी लगेगा, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। सेम वे ऑथर, सर ऑथर ने बुक लिखी सर और बुक का कॉपीराइट कराया और उस कॉपीराइट का सर टेम्प्री ट्रांसफर कर दिया कॉपीराइट को, यूज करने का राइट किसको? पब्लिशर को, तो ऐसे केस में बाय डिफॉल्ट तो पब्लिशर लायबल है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, पर ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए, वो चाहे तो सर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एनेक्स दे रखा है वो फॉर्म
कमिश्नर को, जुरिस्डिक्शन कमिश्नर को सबमिट करे और फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ले सकता है। और फॉरवर्ड चार्ज का अगर उसने ऑप्शन लिया तो वो खुद टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली और बिल पे डिक्लेरेशन लेगा कि लिखेगा कि मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है, मैंने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया है, इसलिए मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट तो रिवर्स चार्ज में पब्लिशर लायबल होगा। देन सर हो रहा है रिवीजन, नो डाउट सर फास्ट था क्योंकि रिवीजन चल रहा है, कोई लेक्चर नहीं चल रहा है पूरा, क्लियर। रिवीजन फास्ट नहीं होगा तो आपके माइंड में चीजें फास्ट नहीं घूम पाएगी और कनेक्ट नहीं हो पाएगी भाई, और टाइम कम होता है हमारे पास। और पता है ये फास्ट बोलने में सर हमारा भी गले की बैंड बजाती, जान निकल जाती पूरी। पर सर आई होप ये एक्सपर्टीज का हेल्प आपको मिल रहा है, ये एक्सपर्टीज से आपकी मदद हो रही है और आपका कंटेंट फास्ट रिवाइज हो रहा है। बच्चों आइए और इन लेक्चर को दो तीन बार जरूर सुन लेना बिफोर द एग्जाम्स, मजा आ जाएगा सर आपको। सर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक कमिटी बना रखा है उन्होंने, ओवरसिंग कमिटी ऑफ दी RBI, जो लोन बड़े बड़े लोन अकाउंट को ओवरसी करते हैं। तो मेंबर्स ऑफ दी ओवरसिंग कमिटी को RBI फीस पे करता है, तो ऐसे केस में वो मेंबर्स ऑफ दी ओवरसिंग कमिटी ऑफ दी RBI तो बड़े लोग है बेटा, तो RBI ने बोला तुम्हारा टैक्स जो है वो मैं पे कर दूंगा रिवर्स चार्ज में, चिंता करने वाली बात नहीं है और RBI विल बी लायबल टू पे GST टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देन इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जो बैंक के लोन वगैरह अकाउंट वगैरह लोन जो होते हैं ना बेटा, लोन की फाइल पहुंचाते बैंक तक, क्लियर, ऐसे एजेंट होते बैंक के बेटा, उनको कमीशन मिलता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को, वो लोन प्रोसेस करता है क्योंकि बैंक का भी अच्छा कमाई लोन से ही होता है बेटा। तो ऐसे केस में इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो बैंक को सर्विसेज दे रहे हैं, बैंक इनको कमीशन पे करा, उस कमीशन पे GST लगता है। अब रिवर्स लगेगा उसके लिए बात कर रहा हूं, अगर जो DSA है वो खुद अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप में या LLP है, तो वहां फॉरवर्ड चार्ज में खुद टैक्स पे करेगा। पर अगर सर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और बैंक जो कमीशन पर GST लगता है वो खुद जमा कराएगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा, क्लियर। देन बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विसेज दिया किसको, बैंकिंग कंपनी को, तो ऐसे केस में बैंकिंग कंपनी विल बी लायबल टू पे GST टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और हाँ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस दी बैंक को, तो ऐसे केस में टैक्स लगता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। पर एजेंट ऑफ द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस दी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, तो यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और एजेंट की सर्विसेज जो थी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। अच्छा एक बात और ध्यान देना बेटा, जस्ट कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूं, बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या इनके एजेंट ने सर्विसेज दिए इन रिलेशन टू रूरल एरिया ब्रांच अकाउंट्स इन द रूरल एरिया ब्रांच, तो उसमें GST ही एग्जम्प्ट हमने पढ़ा हुआ बेटा, पर अर्बन एरिया ब्रांच में वो तो टैक्स लगेगा, और टैक्स लगेगा तो बिजनेस फैसिलिटेटर में रिवर्स चार्ज है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट में फॉरवर्ड चार्ज है, और एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट में रिवर्स चार्ज में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टैक्स पे करेगा। आइए बच्चों सिक्योरिटी सर्विसेज, सर सिक्योरिटी सर्विसेज सर्विसेज बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, आपने देखे होंगे सिक्योरिटी पर्सनल बॉडीगार्ड वगैरह के केस में अगर सर्विस देने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट अगर GST में रजिस्टर्ड है, ध्यान देना ये कंडीशंस आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की बेटा। सिक्योरिटी सर्विस देने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपिएंट जो है वो अगर GST में रजिस्टर्ड पर्सन है, भले वो बॉडी कॉर्पोरेट हो या ना हो, वो GST में रजिस्टर्ड, तो ऐसे केस में टैक्स लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट जो GST में रजिस्टर्ड है वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर RCM। पर जो रेसिपिएंट जो GST में रजिस्टर्ड है वो खुद कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है GST में, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। सेकंड थिंग, अगर रेसिपिएंट वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट है या गवर्नमेंटल एजेंसी है, लोकल अथॉरिटी है, जो GST में रजिस्टर्ड तो है बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग TDS अंडर सेक्शन 51 के लिए वो रजिस्टर्ड है, किसी और पर्पस के लिए वो रजिस्टर्ड नहीं, तो ऐसे केस में भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। आइए सरकार, सर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, मतलब मेरा काम क्या है, कार रेंट पे प्रोवाइड करता हूँ विच आर डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, सर वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज फॉर द सर्विसेज। अब ऐसे केस में रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल प्रोवाइड करिए मैंने किसको, बॉडी कॉर्पोरेट को, और सर्विस सप्लायर शुड नॉट बी ए बॉडी कॉर्पोरेट, खुद अगर बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस सप्लायर तो फॉरवर्ड चार्ज है, सर्विस सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और बॉडी कॉर्पोरेट विल बी लायबल टू पे GST टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। पर यहां पे भी ऑप्शन दिया, जैसे GT में ऑप्शन था ना बेटा, वैसे यहां पे भी ऑप्शन है कि जो रेंट पे सर्विस दे रहा है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन ट्रांसपोर्ट पैसेंजर की सर्विस दे रहा है, वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला ऑप्शन ले सकता है और वहां पे रेट ऑफ टैक्स विल बी 12% और उसको 12% टैक्स पे करना पड़ेगा बेटा, 6% CGST, 6% SGST और इंटरस्टेट तो 12% IGST। पर उसने सर ये 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन नहीं लिया तो बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज लगेगा और वहां पे 5% इज द रेट ऑफ टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो बेटा, और रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज में हमेशा इसी को टैक्स पे करना है बॉडी कॉर्पोरेट को बेटा, ठीक है। इसका भी एक चार्ट देर का सुंदर सा वो भी देख लेते हैं सर हम, पर्सनल लायबल टू पे GST अंडर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस। देखिए सर, अगर वेयर GST इज पेबल एट द रेट ऑफ 12% बेटा, 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया सर्विस सप्लायर ने तो हमेशा ही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है और सप्लायर ऑफ सर्विस विल बी लायबल टू पे द GST टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। पर अगर 5% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया और सर्विस सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है
और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर कौन है बेटा अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज लगेगा और रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम एट द रेट ऑफ 5%। पर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, खुद सप्लायर अगर खुद ही बॉडी कॉर्पोरेट बात खत्म हो जाएगी, वह फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। पर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, पर रेसिपिएंट भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो अगेन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। रेसिपिएंट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट और सप्लायर शुड बी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट तो ही रेंटिंग को मोटरसाइकिल में रिवर्स चार्ज लगेगा, वो भी कब, जो 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन नहीं लिया तब। माहौल सरकार क्लियर डन सर। अब लास्ट सर्विस है को रिवर्स चार्ज की, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज में आपसे ऑलरेडी सर्कुलर पढ़ाते वक्त बात कर चुका हूं कि सिक्योरिटीज लैंडिंग सर्विस में जो सिक्योरिटीज लैंड करी ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब सर जो बोरोर होगा वो उसने क्या किया होगा सर, अपना लैंडिंग फी पे किया होगा बेटा, उस लैंडिंग फी पे जीएसटी लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बोरोर खुद टैक्स पे करेगा और वो भी आईजीएसटी पे करेगा बेटा। क्लियर डन। अब सर अब सरकार कुछ बातें और सर, मोटर व्हीकल रेंटिंग मोटर व्हीकल के लिए सर्कुलर था बेटा, रेंटिंग मोटर व्हीकल का मैं ऑलरेडी पॉइंट पढ़ा चुका हूं, उसमें सर्कुलर के प्रोविजन भी कवर हो गए बेटा। क्लियर डन। सेकंड बात सर, एक और सर्कुलर आया था रिगार्डिंग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स। सर एक ध्यान देना बेटा, मैंने मोटर व्हीकल रेंट पे लिया है और एक ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विसेज ली, दोनों में फर्क है ना बेटा यार। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस में कोई रिवर्स चार्ज नहीं है, पर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर में रिवर्स चार्ज है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर इन दोनों में फर्क क्या है, देखो कोई बस जा रही है बेटा, बस में मैंने टिकट लिया केवल, तो क्या मैंने ट्रक बस किराया ले ली क्या, नहीं। तो सर जहां पे मोटर व्हीकल सर जो सर्विस सप्लायर है जो मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहा है सर, उसका कंट्रोल नहीं है। रेसिपिएंट जो जिसने मोटर व्हीकल रेंट पे लिया, देखो फर्क क्या है, रेसिपिएंट जिसने रेंट पे मोटर व्हीकल लिया है वो अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने रूट के हिसाब से चलता है बेटा। तो ऐसे केस में सर उस सर्विस को बोलेंगे क्या सर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। पर जो सर्विस सप्लायर है उसके रूट के हिसाब से, उसके टाइमिंग के हिसाब से सर्विस सप्लायर सर्विस दे रहा है, सर मोटर व्हीकल जा रही है और आप तो उसमें केवल टिकट ले रहे हो बेटा, तो यहाँ पे आपने बस की बस रेंट पे नहीं ली, कार की कार रेंट पे नहीं ली है, दैट इज प्योरली ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस, और ट्रांसपोर्ट पैसेंजर सर्विस में रिवर्स चार्ज नहीं है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में रिवर्स चार्ज लगता है बच्चों। क्लियर माहौल सरकार। जीटी की समरी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों, क्लियर। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 इसका केवल इंट्रो आपके कोर्स में आता है। यहाँ पे बोल दिया क्या, कुछ नोटिफाइड सर्विसेज, एट प्रेजेंट चार सर्विसेज जो नोटिफाइड है, वो चार सर्विसेज में से कोई भी सर्विस अगर अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी तो ऐसे केस में ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज और सारे प्रोविजन ऑफ द एक्ट उसी पे लगेंगे और उसी को टैक्स पे करना है, जैसे ओला उबर स्विगी जोमेटो, क्लियर। इन सबके केस में रेस्टोरेंट सर्विस फॉर एग्जांपल आपने सप्लाई करी थ्रू स्विगी, तो ऐसे केस में स्विगी विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। क्लियर डन। भारत माता की जय। ये ईसीओ का इतना सिलेक्टेड प्रोविजन ही आपके कोर्स में था और इसी के साथ सर ये आरसीएम वाला चैप्टर भी खत्म होता है अब। सेक्शन 9.3 एंड 9.4 भी खत्म होता है अब। भारत माता की जय। आई होप चीजें समझ में आ रही है, आई होप रिविजन फास्ट हो रहा है। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया और इंडिया की कमान आपके हाथ में। भारत माता की जय। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय 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 सारे स्टूडेंट्स, जय आईसीआई। माहौल जबरदस्त शानदार, मस्त होके बढ़िया, खुश होके बढ़िया सर। थैंक यू सो मच, बाय।